आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत के एक बहुत ही प्रमुख त्योहार की, उस त्योहार की जिसके अंदर हम सब और सभी श्रद्धालु और भगत बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति भाव से, नित्यनेम से माँ की आराधना करते हैं लगातार 8 दिन तक, माँ कहें या फिर शिव शक्तियां कहें। परंतु हमारा जो विषय रहेगा आज, जो उद्देश्य रहेगा चर्चा का, वो ये रहेगा कि हम इस त्योहार के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को समझें। अभी आपके जहन में ये भी आएगा कि आध्यात्मिकता क्यों या फिर आध्यात्मिक रहस्य क्यों। वो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो हमारे आज के समय में जो हम समस्याओं को अनुभव कर रहे हैं या फिर फेस करते हैं उसका सोल्यूशन हमें दे सकती हैं। आध्यात्मिकता हम सब मनुष्यों के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हम आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसका आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से उपस्थित हैं सिस्टर अदिति, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ओम शांति दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। दीदी, जैसे कि आज हमारी चर्चा का विषय भी है नवरात्रि जी, और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इसके आध्यात्मिक रहस्यों को समझें जी। जी, तो दीदी, इस त्योहार के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है या फिर जो श्रद्धालु और जो भगत हैं इतने नित्यनेम से, इतने श्रद्धा भाव से माँ की जो आराधना कर रहे हैं वो किन शक्तियों के लिए आराधना कर रहे हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, भारत के जो भी त्योहार हैं सेलिब्रेशन की ही इसलिए जाती है कि कोई घटना घट चुकी है और जब वो घटना घट जाती है तो उसकी यादगार में हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के बाद 1 साल के बाद उसके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो एक कार्य जब हो जाता है तो बाद में अगर वो अच्छा कार्य है तो उसको याद करने के लिए, उन स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और भारत तो है ही सेलिब्रेशंस करने का देश, और भारत के लिए तो कहा भी जाता है कि यहाँ पर जितने दिन नहीं है उससे ज्यादा त्योहार है। बिल्कुल, त्योहार है या फिर मेले हैं जी। अब यहाँ जब हम बात करते हैं नवरात्रि की तो एक शब्द जुड़ा है रात्रि। रात्रि तो ऐसे रोज ही आती है, लेकिन यहाँ जब रात्रि की बात की जा रही है तो यहाँ यूज की जा रही है उन नेगेटिविटीज की रात्रि जो आज वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति के घर में, समाज में, देश में, संसार में, या कहें कारण ये है कि हम सबके मन में है। और बहुत ज़रूरत है कि जब हर एक मन में ये नेगेटिविटीज़ आ जाएं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, एक ही घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती उस संबंध को टूटने में। तो बहुत ज़रूरत है कि हम आज के समय में अपने अंदर की इन नेगेटिविटीज़ को हटाएं। दिक्कत क्या होती है कि इच्छा हर एक की है कि हमारे मन में ये नेगेटिविटीज़ हटें, लेकिन इच्छा केवल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है इच्छा के साथ साथ शक्ति की भी। बिल्कुल। और इच्छा के साथ साथ ज्ञान की भी। तो जब हमें ज्ञान और शक्ति, एक संकल्प है हमारा, पर संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें नॉलेज और पावर, ये दोनों चीजें यदि मिल जाती हैं तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। और जब हम नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं तो यहाँ जब हम शिव शक्ति की बात, जैसे आपने भी कही, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उन शक्तियों की जो हमें परमात्मा शिव से प्राप्त होती हैं। और जो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं उन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करती हैं, वो शिव की शक्तियां हैं। तो दीदी, तो ये जो शिव की शक्तियों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो, मतलब शिव की जो शक्तियां हैं, या फिर कहें मैं इसको और थोड़ा एलैबोरेट करूँ, ब्रिंग इट टू माय पर्सनल लाइफ, या जो हमारी पर्सनल लाइफ है, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती हैं। आपने भी उस पॉइंट को टच किया कि हमारे मन में बहुत सी
सी बुराइयां हैं या किसी के प्रति दुर्भावना है, परंतु हम एक इच्छा शक्ति भी रखते हैं बदलाव लाने की। तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर शक्तियां हैं या फिर हम जिन पे मेजर शक्तियां जिनको बोले हो, कि मैं समझता हूँ बहुत सी शक्तियां हैं हमारे पास, तो कौन सी ऐसी फोकस मेन शक्तियां होनी चाहिए जिसके बारे में हमें ज्ञान भी होना चाहिए, और बाद में जो आपने बोला भी कि उसको अप्लाई कैसे करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कौन सी मुख्य शक्तियां रहेंगी। देखिए, परमात्मा जिसे हम परम पिता कहते हैं, तो पिता अपने बच्चे को, उस बच्चे को अपने जीवन में, अपनी लाइफ टाइम के अंदर जिस तरह की सिचुएशन फेस करनी है, उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए पावर्स भी देता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो परमात्मा की जो पावर्स हैं, जो परमात्मा की क्वालिटीज हैं, डेफिनेटली वो हम बच्चों का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हम शिव के बच्चे हैं, शिव की शक्तियां हैं, पहले तो इस चीज़ को स्वीकार करें। शिव शक्तियां हमारे लिए ही यूज किया जा रहा है कि हम परमात्मा की संतान, तो सभी उसी की शक्तियां हैं, उसके लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। हम पावर्स हैं, हमारे अंदर वो पावर्स हैं जो परमात्मा के अंदर पावर्स हैं, वही हमारे अंदर पावर्स हैं। मुख्य तौर पर जो हमें लाइफ टाइम में जरूरत पड़ती है जिन शक्तियों की, उन्हें हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमें जरूरत है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यानी बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति। हमें जरूरत है समाने की शक्ति की। हमें जरूरत है सहन शक्ति की। हमें जरूरत है निर्णय शक्ति की। Power to decide, yes. हमें जरूरत है परखने की शक्ति की। बिल्कुल। इसी तरह हमें जरूरत है समाने की शक्ति की। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम चाहेंगे कि हम जब परमात्मा को याद करें तो वो शक्तियां हमारी लाइफ के अंदर आए। ओके। अब इन सब शक्तियों को यदि हम धारण करना चाहते हैं, तो एक चीज की बहुत जरूरत है, जो हम अपनी जो रिचुअल्स करते हैं जब ये त्योहार आता है, वो ये दिखाते हैं कि हम व्रत नियम रखते हैं। अब व्रत तो रख रहे हैं, व्रत किस चीज का रख रहे हैं कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इन दिनों में हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे और इन सब चीजों को हम बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे। हाँ, बिल्कुल। डेली रूटीन जो है, पूजा का विधि विधान है, उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। थोड़ी रोज जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है उनको थोड़ा सा ब्रेक किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जैसे कि जो रूटीन के अंदर व्यक्ति कुछ नेगेटिविटीज को आदत होती है, जैसे सिगरेट की, शराब की, इन दिनों के अंदर उन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। डेली रूटीन में इंसान प्याज लहसुन बहुत ही इजिली यूज करते हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर भोजन के अंदर भी काफी चीजों में परहेज की जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन का प्रसाद जो है रखा जाता है। कई चीजों की परहेज करते हैं हम, और लाइफ के अंदर कुछ चीजों का संकल्प भी करते हैं कि अभी हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, और उनसे देखा भी गया है जब लोग ये 9 दिन या 8 दिन व्रत रखते हैं, तो उसके बाद उनके मन में एक अलग सी शांति वो महसूस करते हैं। लेकिन ये जो शांति है और ये जो सुख की अनुभूति है, वो केवल 8 या 9 दिन के लिए नहीं रहे, वो सदा काल के लिए रहे। उसके लिए जरूरत है कि हम अपने अंदर दृढ़ता पूर्वक कुछ संकल्प लें। वो जो संकल्प है उसी का नाम व्रत है। और जब हम कोई व्रत लेते हैं, कोई संकल्प रखते हैं, और संकल्प यानी एक तरह से परहेज, यानी हम संयम रख रहे हैं जीवन के अंदर, कुछ नियम रख रहे हैं अपने अंदर, तो जब हम वो संयम और नियम रखते हैं, तो हम अपनी एनर्जी, जो हम संयम नहीं रख रहे थे, तो उस एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे थे, नेगेटिविटीज में जा रही थी, तो वो जो नेगेटिविटी में जा रही थी एनर्जी, वो कुछ दिनों तक हमने उन एनर्जीज को, उस जो बहता हुआ फ्लो था, जो फ्लो था उससे हमने रोक दिया उन्हें। तो एज ए रिजल्ट क्या होती है, वो एनर्जी सेव होती है। तो मेरी इंटरनल एनर्जी सेव होती है उन दिनों, तो आई फील डिलाइटेड, क्योंकि मुझे शक्ति प्राप्त हुई, मैंने कुछ बचाया। जैसे कोई पैसा बचाता है तो उसे खुशी होती है, जैसे एनर्जी सेव करता है व्यक्ति तो उसे खुशी होती है।
तो यहाँ भी क्या होता है कि जब हम एनर्जी को सेव करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कई चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने व्रत रखा तो उसके कारण हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई। बिल्कुल। पर व्रत रखने से क्या हुआ, आपके मन की शक्ति जो वेस्ट थॉट से ड्रेन हो रही थी, वो मन की शक्ति जो है वो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि आपकी वेस्टेज नहीं हुई। तो वो जो माइंड की थॉट्स प्रोसेस जो है आपकी, वो ज्यादा अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया और सेव हो गया। एज ए रिजल्ट आपका मन जो सोच रहा है वो चीज सिद्ध होगी। बिल्कुल। पावर हो गई ना माइंड के अंदर। बिल्कुल, तो जहाँ पावर है तो वहां पर जो एक्शंस होते हैं हमारे, यानी थॉट, फिर वाणी, फिर कर्म, ऑटोमेटिकली जो कर्म होते हैं वो सिद्ध होने लग जाते हैं। ओके, सो इट इज दैट व्हाट डिटरमिनेशन हमने लिया, जो एक व्रत लिया, जो हमने कंट्रोल किया, तो इट इज समहाउ सेविंग अवर एनर्जी। तो एनर्जी के जो रिजल्ट्स है, जो हम आगे कर्म करने जाते हैं, सफलता भी प्राप्त होती है हमें। पर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी भक्ति है वो सफल हुई है, देखें तो सफल भी हुई है कि हमने उसको सेव कर लिया है। तो दीदी, ये बात भी समझ में आई कि एनर्जीज की क्या इंपॉर्टेंस है और हमको कैसे बचा रहे हैं उसको, और डिटेल मतलब कि हमें बचाना चाहिए, सिर्फ वो 9 दिन की बात नहीं है, और भी दिनों तक उसको बचाना चाहिए। तो दीदी, बट ये तो हमने पावर्स को देखा, बट ये इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, इसको मतलब कि परसिस्टेंस कैसे इसको लेकर आया जाए, वो उसके बारे वो कैसे होगा फिर? हाँ, इसको परसिस्टेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेडिटेशन। यानी जब हम किसी चीज का व्रत लेते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, बहुत जरूरत है उस प्रॉमिस को बार बार दोहराना। और उस प्रॉमिस की सिद्धि के लिए परमात्मा से शक्ति लेना। वो जो शक्ति लेना है वो हमारा रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। पहले तो हम शुरू करें इन नवरात्रों से। इन नवरात्रों में हम रोज अपने अंदर एक स्पेशल पावर को लाइफ में लेकर आए, जो पावर हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाए। और उन उस पावर को, उस पर्टिकुलर पावर को लाइफ में लाने के लिए हम अपनी लाइफ के अंदर किन चीजों का परहेज करें, किन चीजों को एडॉप्ट करें। तो वन बाय वन यदि हम रूटीन के अंदर अगर नहीं कर सकते तो शुरुआत करें एक शक्ति, एक दिन इन नवरात्रों से। दीदी ठीक है, तो मतलब जो भी हमारे 8 दिन की जो पूजा रहेगी तो हम उसके अंदर हर डेली एक शक्ति की प्रैक्टिस करें। राइट। हाँ, तो बट दीदी जैसे आपने बताया भी कि हमें शक्ति को जानना भी उतना जरूरी है, और फिर आपने उसकी विधि भी बताई हमें कि उसको मेडिटेट करके हम अपने जीवन में अपनाएं। तो दीदी, ये समय की जो घड़ियां हैं, समय जो है वो बीतता जा रहा है, तो इस एपिसोड में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बट हम आपके साथ बने रहेंगे और हम एक शक्ति को जानना चाहेंगे। दीदी, इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने मैं बताया कि मेडिटेशन करना जरूरी है, तो मेडिटेशन के कुछ ऐसे थंब रूल्स हो या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो जो हम याद रखें, जस्ट जो हमारे दर्शक भी हैं उसको समझ पाएं, जस्ट फॉर बिगिनर्स लेवल मेडिटेशन में क्या 2 से 3 चीजें हों जो हम ध्यान रखें, क्योंकि पावर्स के लिए तो हम अगली श्रृंखला जो हमारी शुरू होगी उसमें डिस्कस करेंगे, पर फॉर मेडिटेशन कुछ 2 से 3 पॉइंट आप हमें जरूर बताएं। जी, बहुत अच्छी बात की। बहुत जरूरी है कि यदि हम अगर अच्छी तरह एक योगी बनना चाहते हैं, मेडिटेशन करने वाले बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर, यानी हम जिस चीज़ को याद कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर वही चीज़ याद आए और बाकी चीज़ें मेरे लिए उस टाइम सेकेंडरी हो जाएं। जैसे लाइफ में हम प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं, वैसे उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम एक प्रायोरिटी डिसाइड करें, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम पावर्स लें, तो ज़रूरत है कि उन पावर्स को जब हम ले रहे हों उस समय बाकी सब चीज़ें जो मेरे लाइफ की पावर्स को डिस्चार्ज करते हैं, उन डिस्चार्ज करने वाली चीज़ों से हम थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाएं। तो जब बैटरी चार्ज हो रही है, तो जैसे कई बार कहते हैं कि जब मोबाइल की भी आप बैटरी चार्ज करते हो तो उस समय उसे यूज़ नहीं करो, तो यहाँ भी वही है कि जिस समय हम परमात्मा को याद कर रहे हैं उस समय
बाकी सब चीज़ों से हम डिटैच हो जाएं। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्पेशली जब आप शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो सोच कर देखें अर्ली मॉर्निंग टाइम, यूजली लोग उठ नहीं पाते हैं, लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग टाइम, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, और नुमा शाम, यानी जो टाइम होता है हमारा 6 से 8 के बीच में, उस टाइम पर यदि हम कुछ देर के लिए, चाहे 10 मिनट 15 मिनट बिगनिंग करें हम इससे, अपने लिए और परमात्मा जो हमारा पिता है उसके लिए, यानी उस समय केवल 2 ही हों, एक मैं और वो सर्वशक्तिमान, उस समय केवल उनसे शक्ति लेने का प्रयास करें। और मैं जब हम कहते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उस समय मैं ये बॉडी नहीं हूँ, यानी ये आइडेंटिटी नहीं हूँ जो हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर सोचते हैं कि कौन काम कर रहा है। तो मैं अपने आप को किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, या कोई ऑफिसर, या कोई कुलीग, या कोई भी संबंध से, कोई भी दुनियावी चीज़ों से कनेक्टेड चीज़ जो अपने को अनुभव करता हूँ या करती हूँ, उस कनेक्शन को कुछ देर के लिए तोड़कर उस समय मैं अपने आप को एक बहुत ही सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा समझूं, एक छोटी सी लाइट, एक शक्ति जो कि मस्तक के बीच में चमक रही है। और उस समय बस यही महसूस करें कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो परम पिता है, वो अपनी सर्वशक्तियों से मुझ शक्ति के अंदर नव जीवन, नव प्रकाश, नया उमंग, नई खुशी भर रहा है। स्वीकार करें उन सब शक्तियों को। और स्थित हो जाएं अपनी वास्तविक शक्तिशाली स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने हमें जो मेडिटेशन के बारे में बताया तो सो पीसफुल एंड काम, लेकिन 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि एकदम हम शांत हो गए, जो चीज़ें थी जो डिस्टर्ब करती हैं डे टू डे लाइफ पे, थोड़ा सा पर फुल स्टॉप लगा। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी, हम आपके साथ बने रहेंगे, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, तो हम आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि नवरात्रि का जो त्यौहार है इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। हमने ये भी समझा कि ये तो एक वो समय है जिसमें हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक अष्ट शक्तियों पर बहुत ही एकाग्रता व पूर्ण हमें वर्क करना है, कहीं उस पर काम करना है। बहुत ही विधिवत तरीके से हम देखते आए हैं कि शिव शक्तियों ने कैसे अपने शक्ति के साथ मधु कैठव, निशुम जैसे दानवों का संहार किया। उसी तरह हमें भी, मतलब कि जो हमारे अंदर छुपी हुई नेगेटिविटीज हैं उनको हम समाप्त करें, तो वो तभी हो सकता है जब अपने अंदर हम शक्ति भरें। तो उसका वही प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले शक्तियों को जानना, फिर उनको समझना, और फिर उनको अपनाना। और अपनाने की विधि जैसे बहुत ही स्पष्ट दीदी ने हमें बताया कि वो है मेडिटेशन की टेक्निक। उसको जैसे हम बहुत ही नित नेम से सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह उसी समय हम इसको मेडिटेट करें और अपने वो शक्तियाँ धारण करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए आने वाली श्रृंखला के लिए, हम हर एक शक्ति के ऊपर डिटेल के अंदर उसको जानेंगे, समझेंगे, और उसको अपनाने की जो भी विधि रहेगी उसको भी हम अपनाएंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति एंड नमस्ते।